मनरेगा कार्य में ग्राम पंचायत में नाबालिग लड़की लड़कों को सरपंच एवं रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी काम करवाया जा रहा है। जिला जांजगीर चांपा जनपद पंचायत डबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत धोरा भाटा में मनरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है, जिसमें धोरा भाटा से बड़े कटे कोने के बीच गोठान के बगल में नया तालाब का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत ग्रामीणों मजदूरों को काम करवाया जा रहा है। सरपंच एवं रोजगार सहायक द्वारा जिसमें सरपंच को जानकारी पूछा गया कि मनरेगा के कार्य चल रहा है, उसमें पहले सूचना बोर्ड किया गया नहीं बनवाए और मजदूरों के मास्क व सैनिटाइजर की क्यों नहीं बंटवाए, जिसमें सरपंच द्वारा बोला गया कि सूचना बोर्ड मनरेगा कार्य होने के बाद लगाया जाता है और मास्क एवं सैनिटाइजर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को बांटा गया है, जिसकी जानकारी मजदूरों से लिया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा बताया गया कि हमें कोई मास्क नहीं दिया, ना हमें कोई सैनिटाइज किए दिए गए, ना किसी मजदूर को नहीं बांटे। सरपंच द्वारा झूठ बोला जा रहा है, जिसमें लगातार मनरेगा कार्य चल रहा है। उसी बीच पत्रकार द्वारा मनरेगा कार्य के पास पहुंचा, जिसमें देखा गया कि लगभग 200 से 301 तक मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिसमें उसी बीच नाबालिग लड़की लड़के मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिसे मनरेगा कार्य के मेटो द्वारा पूछा गया कि रोजगार सहायक एवं सरपंच जी कहाँ हैं, जिससे मेटो द्वारा बोला गया कि अभी सरपंच एवं रोजगार सहायक नहीं आए हैं। मनरेगा कार्य में नाबालिग लड़की लड़के ने खुशी होकर मनरेगा में काम करने आते, आप लोग उसे रोक लगाने आए, आपको रोक लगाना नहीं चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी ने बोला कि आपने सरपंच और रोजगार सहायक को मनरेगा कार्य करने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, उन लोगों से जैसा मनरेगा कार्य करवा रहे वैसा करवाने दीजिए। जिसे कार्यक्रम के अधिकारी को बता दे कि सुनकर हमें ऐसा लगा कि सरपंच एवं रोजगार सहायक के साथ कार्यक्रम अधिकारी का मिलीभगत काम किया जा रहा है, जिसमें नियम कानून का कार्यक्रम अधिकारी के पास कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट बाय पुलकित दास मोहन, समाचार इंडिया न्यूज़, जिला जांजगीर।